हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। अक्सर माँ बाप बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं जब बच्चों को उनको वीनिंग स्टार्ट करानी होती है या जब नए नए फूड हम अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। तो हम माँ बाप सोचते हैं कि हम सब कुछ उन्हें इंट्रोड्यूस करा दें ताकि उनको खूब सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। गाइस, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो हमें बच्चों को सही टाइम पे इंट्रोड्यूस कराना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो वो अच्छे न्यूट्रिशन देने के बजाय बच्चों के हेल्थ पे खराब इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसलिए जब भी बच्चों को कुछ खिलाएं तो प्रॉपर रिसर्च के बाद ही खिलाएं। आपको हमेशा ये अपने दिमाग में रखना है कि बच्चों को क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, कौन सा खाना खिलाने का सही टाइम कब आता है। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे उन सभी खानों के बारे में, वो सभी फूड के बारे में जो हमें बच्चों को एक साल से पहले या 6 महीने से पहले नहीं देना है, और ये भी बताएंगे आपको कि कौन से मंथ में किस टाइम पे ये इंट्रोड्यूस करना सही होगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं। गाइस, सबसे पहले होता है कि जैसे ही बच्चे 6 महीने के होते हैं तब ही हमें उनको ऊपर का खाना देना स्टार्ट करना होता है। बट गाइस, बहुत से पेरेंट्स हमारे पास क्वेश्चंस भी आते हैं और अक्सर ऐसा हमने सुना भी है कि बच्चे 4 महीने के ही हो गए और इतनी क्यूरियोसिटी हो जाती है माँ बाप को कि हम उन्हें सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करा दें, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बच्चे अब खाना चाहते हैं या वो बहुत कमजोर हो गए हैं, इस वजह से उनको हम सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। गाइस, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये एकदम गलत प्रैक्टिस है। जब बच्चे 6 महीने कंप्लीट कर लेते हैं सिर्फ तभी उनको सॉलिड्स आपको स्टार्ट करने हैं, और सॉलिड्स कब स्टार्ट करने हैं, कैसे देना है, इसके ऊपर अलग से हमने एक वीडियो किया हुआ है, आप प्लीज उसको देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। उसमें सारी डिटेल्स दी हुई है कि 6 महीने पे बच्चों को आप क्या क्या दे सकते हैं और कब दे सकते हैं। सो गाइस, 6 महीने के पहले बच्चों को पानी भी नहीं देना। ये कहते हैं कि गर्मी है, बच्चों का गला सूख रहा है, बच्चों को पानी दे दें। सो गाइस, पानी एकदम अवॉइड करना है। ब्रेस्ट मिल्क में सब कुछ मिल जाता है बच्चों को, जितना उन्हें 6 महीने तक चाहिए होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिन भी माओं को अच्छे से भरपूर मात्रा में ब्रेस्ट मिल्क हो रहा है तो वो बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे ही रखें, उसके बाद ही फॉर्मूला मिल्क पे जाएं। अगर ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम है या नहीं है तब आप फॉर्मूला मिल्क पे जा सकते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले गाइस, काउ मिल्क। काउ मिल्क हमको एकदम अवॉइड करना है एक साल तक। जब तक आपका बेबी एक साल कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक आप उसे काउ मिल्क बिल्कुल भी नहीं देंगे। आप उसको ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क ही देंगे। कोई भी चीज आप उसके लिए प्रिपेयर करिए, उसको इन दोनों मिल्क से करिए, क्योंकि गाइस काउ मिल्क में एलर्जी कंटेंट होता है, वो बच्चों के अंदर एलर्जी ला सकता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमने तो दिया और ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो गाइस, हर केस में ऐसा नहीं होता है बट ये हो भी सकता है, इसलिए हमेशा ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए जो कोई भी प्रॉब्लम ला सकती है। तो इसलिए काउ मिल्क को हमेशा एक साल के बाद दीजिए और उसके पहले आप फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क पर ही रहिए। सेकेंड कैटेगरी है गाइस, हनी। हनी हमें एक साल के बाद देना है, हनी को भी पहले नहीं देना है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम शुगर नहीं दे रहे तो हम हनी डाल देते हैं बच्चों के खाने में, या बहुत जगह पे मैंने सुना है और देखा है प्रैक्टिस में कि बच्चों का जैसे ही बर्थ होता है तो उनको थोड़ी सी हनी चटा दी जाती है, या कहते हैं कि टीथिंग में प्रॉब्लम ना आए, टाइम पे टीथ आ जाए इसलिए हनी दी जाती है। तो ये सब एक कंप्लीट मिथ होता है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। हनी बच्चों को आपको जब बच्चे एक साल कंप्लीट कर ले तब ही हनी देनी है। उसके बाद बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स के बारे में, नट्स के बारे में। तो ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स मैंने खुद देखा है, बहुत सारे लोग 4 महीने से ही अपने बच्चों को ड्राई फ्रूट पाउडर बना करके देने लगते हैं। गाइस, हम ये क्यों नहीं समझ पाते हैं
कि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी नहीं प्रिपेयर्ड है ये सारे तरह के हैवी खाना लेने के लिए। पहले तो 6 महीने हमें कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना है बच्चों को, उसके बाद धीरे धीरे हल्का खाना जो होता है वो बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं ताकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। जब बच्चे 8 मंथ्स कंप्लीट कर लेते हैं तब ही आप उनको ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट पाउडर कैसे बनाना है ये भी हमने एक वीडियो में अपने बताया हुआ है, आप वो चेक कर लीजिए, काफी हेल्प मिलेगी आपको। बट बच्चों को 8 मंथ्स के पहले आप नहीं दे सकते हैं, और ये भी एक क्वांटिटी भी है कि 8 मंथ्स में कितना देना है, 10 मंथ्स में कितना देना है, 1 ईयर के जब बच्चे हो जाएं तो कितना ड्राई फ्रूट देना है। ये नहीं कि 8 मंथ्स के बच्चे हो जाएं तो हम दिन भर ड्राई फ्रूट्स ही बच्चों को दे रहे हैं, उसका भी एक स्पेसिफिक अमाउंट है। और साथ में जब नट्स की हम बात करते हैं तो पीनट्स जो होते हैं जिनको जनरल टर्म्स में हम मूंगफली भी कहते हैं, मूंगफली गाइस बच्चों को 1 साल के पहले हमें नहीं देनी है, मूंगफली को भी 1 साल के बाद के लिए आप रखिए। उसके बाद बात करते हैं एग्स की। अक्सर माँ बाप एग्स देते हैं बच्चों को जब वो 6 महीने कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्स देते हैं क्योंकि एग्स में काफी हेल्दी कंटेंट होता है। तो गाइस हम एग्स बिल्कुल दे सकते हैं बच्चों को आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 7 मंथ्स, लेकिन सिर्फ एग का जो येलो पार्ट होता है जिसको हम योक कहते हैं आप सिर्फ वो दीजिए, एग व्हाइट 1 साल तक नहीं देना है। एग व्हाइट में भी एलर्जी कंटेंट होता है, उससे बॉडी में एलर्जी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से एग व्हाइट को भी आप 1 साल के बाद के लिए ही बचा के रखिए। उसके बाद है गाइस हमारा नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है शुगर। अक्सर लोग कहते हैं कि शुगर क्यों ना दें, 6 महीने से ही बच्चों को दूध में शुगर मिला के देने लगते हैं ताकि बच्चों को गैस की प्रॉब्लम ना हो। गाइस वैसे भी 6 महीने से 1 साल में भी हम बच्चों को काउ मिल्क नहीं दे रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, उसमें ऑलरेडी शुगर का कंटेंट होता है, शुगर ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो शुगर को भी 1 साल तक एकदम अवॉइड करना है आपको, शुगर बच्चों को जब बच्चे 1 साल कंप्लीट कर ले तभी शुगर देना है। नेक्स्ट है गाइस सॉल्ट। किसी भी खाने में बच्चों को हम कहेंगे कि बच्चों को फीका खाना कैसे पसंद आएगा, सो गाइस बच्चों ने तो अभी तक सॉल्ट टेस्ट ही नहीं किया है, उनके टेस्ट बड्स उस तरह से डेवलप ही नहीं हुए हैं, तो उनको फीका या ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। फीका तो हमको लगता है, आप बच्चों को बिल्कुल दीजिए, अलग अलग तरह की चीजें डाल सकते हैं, जैसे अगर सॉल्ट नहीं डाल रहे हैं आप तो आप जीरा पाउडर भुना हुआ डाल दीजिए, उससे भी काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है, तो आप वो डाल सकते हैं। सॉल्ट को भी 1 साल के बाद ही जब बच्चे 1 साल कंप्लीट कर ले तभी हमें बच्चों को सॉल्ट इंट्रोड्यूस करानी है, बच्चों के किसी भी खाने में हमें सॉल्ट नहीं डालनी है। नेक्स्ट कैटेगरी है गाइस सी फूड। कोई भी तरह का सी फूड हमें बच्चों को नहीं देना है जब तक बच्चे 1 साल कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। बहुत लोग फिश देते हैं लेकिन वो फिशेस जो रिवर से या लेक से आती हैं वो आप दे सकते हैं, लेकिन जो सी फिश होती है वो हमें बच्चों को नहीं देना है, एकदम ही अवॉइड करें उसको, क्योंकि सी में बहुत ज्यादा ऐसे सी फूड जो होते हैं उसमें एलर्जीज होती हैं, अलग अलग तरह की एलर्जीज या चोकिंग प्रॉब्लम्स बच्चों में उससे आ जाती है। उसके बाद गाइस चॉकलेट्स हम बच्चों को देने लगते हैं, मतलब रेगुलरली तो नहीं दे रहे हैं लेकिन अगर कभी कभार भी दे रहे हैं गाइस तो चॉकलेट्स में भी तो स्वीटनेस होती है और वो स्वीटनेस आती है शुगर से, तो हमें बच्चों को शुगर नहीं देनी है। और चॉकलेट एक तरह से एक पैकेज्ड फूड भी है, जंक फूड भी है, तो हमें बच्चों को ये नहीं देना है। 1 साल के बाद आप आराम से जितना भी बच्चों को खिलाना है जो भी खिलाना है सब कुछ खिलाइए, बट 1 साल तक काफी प्रिकॉशंस रखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वो है पैकेज्ड फूड। बच्चों को पैकेज्ड फूड भी हमेशा, वैसे तो हमेशा अवॉइड करना चाहिए बट 1 साल तक तो कम्प्लीटली अवॉइड करिए आप पैकेज्ड फूड बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के प्रिजर्वेटिव, शुगर, सॉल्ट सबका कंटेंट काफी होता है जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए काफी नुकसान कर सकता है। हम तो बच्चों को हेल्दी बेनिफिट्स देने के लिए चीजें खिला रहे हैं बट वो उल्टा इम्पैक्ट डाल के बच्चों की हेल्थ को बिगाड़ देगा,
कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ले आए उससे अच्छा है कि हम ये चीजों को बिल्कुल ही अवॉइड करें। उसके बाद किसी भी तरह का प्रोसेस्ड फूड हमें नहीं देना है बच्चों को। चीज हम अक्सर देते हैं बच्चों को कि बच्चे फैट हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं, वेट गेन कर लें। चीज बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होती है गाइस, बट आफ्टर 1 ईयर, जब बच्चे 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तब चीज काफी हेल्दी मानी जाती है। इस वजह से चीज और भी तरह के जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनको 1 साल के बाद ही बच्चों को देना हमेशा रेकमेंडेड है। उसके पहले एकदम अवॉइड करिए। चीज में भी तो गाइज सॉल्ट की मात्रा काफी ज्यादा होती है, और अगर हम प्रोसेस्ड फूड में माने तो ये बटर जो आते हैं हमारे बाजार में, ये बटर में भी सॉल्ट होती है एडेड, तो वो बटर भी बच्चों को हमें नहीं देना है। आप घर का बना हुआ घी दीजिए बच्चों को, वो हेल्दी रहेगा काफी, और आपको पता भी है कि वो किस तरह से बना हुआ है। घर में एकदम शुद्ध घी बना हुआ है वो बच्चों को दीजिए, वो सबसे अच्छा रहेगा बच्चों के वेट गेन के लिए और बच्चों को स्ट्रांग रखने के लिए, इम्यूनिटी बिल्डअप रखने के लिए बच्चों के लिए। लास्ट में गाइस अगर बात करें तो मैदा बिल्कुल भी नहीं देना है बच्चों को। एक तरह का ये भी रिफाइंड फॉर्म ही होता है फ्लोर का, तो रिफाइंड फॉर्म की कोई भी चीजें वैसे भी नुकसान करती है। मैदा तो हम में से किसी को भी नहीं ज्यादा खाना चाहिए, बट हम एकदम अवॉइड नहीं कर पाते हैं। इस वजह से कभी कभार चलता है जब बच्चे 1 ईयर प्लस के हो जाएं तो थोड़ा बहुत कभी कभार वैसे भी अवॉइड करिए, बट 1 साल से पहले तो मैदा एकदम भी नहीं देना है, क्योंकि बच्चों के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, सब कुछ अभी एक डेवलपिंग स्टेज पे है और अभी बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसमें कोई भी ऐसी चीजें हमें नहीं इंट्रोड्यूस करनी है जिससे बच्चों को प्रॉब्लम हो सके। 1 साल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1 साल तक डाइजेस्टिव सिस्टम भी, बच्चों की बॉडी भी, सारी चीजें एक प्रॉपर स्टेज में आ जाती है, प्रॉपर डेवलप हो जाती है। इस वजह से ही कहा जाता है कि हम उसको 1 साल के बाद ही बच्चों को सारी चीजें दे दें। उसके बाद गाइस हम आपको अब बताते हैं कि ये सारी चीजें हमने आपको क्यों बताई, क्योंकि रेगुलर डे प्रैक्टिस में भी बहुत से हमारे सब्सक्राइबर्स से, बहुत सारे पेशेंट्स से, बहुत सारे क्लाइंट्स से ये सारे क्वेश्चंस हमें रोज आते रहते थे, तो हमने सोचा एक अलग से वीडियो बना लें और आपको बताएं कि क्या क्या खाना ऐसा है जो हमें बच्चों को नहीं देना है 1 साल तक। गाइस देखिए, पूरी जिंदगी पड़ी है बच्चों को अच्छे हेल्दी न्यूट्रिशनल फूड देने के लिए, तो इसलिए कोई भी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अदर देन दीज बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो आप 1 साल से पहले बच्चों को दे सकते हैं, तो इस वजह से ये अवॉइड करना बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो बच्चों को अपने एक हेल्दी साइड पर ले जाएंगे। गाइज अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो आपको, आपको लगा हो कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा, तो प्लीज लाइक करिएगा, हमें बहुत सारी अप्रिसिएशन मिलती है आपके लाइक्स से, और अच्छा अच्छा करने की हमारे अंदर चाहत आती है, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये नॉलेज हम सबको दें, क्योंकि हमने ये बहुत प्रैक्टिस में देखा है और देख के काफी दुख होता है कि लोगों को ये नॉलेज या तो पहुंच नहीं पा रही है, सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है लोगों तक, या पता होने के बाद भी लोग ये काम करते हैं, तब तो बहुत ज्यादा दुख होता है। गाइस प्लीज ये सब प्रैक्टिस में मत लाइए, ये कोई भी आप बच्चों के लिए अच्छा नहीं कर रहे, बच्चों के लिए काफी बुरा हो जाएगा, तो इस वजह से आप ये सब प्रैक्टिस में मत लाइए। और लास्ट में अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की अपडेट्स आपके पास तुरंत आ जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपने बेल आइकन दबाया हुआ है तो आपके पास तुरंत अपडेट्स आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू अस। थैंक यू गाइज।